वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बस टेन से। मैं अभी घर से आई हूँ, मैं रामपुर को जा रही हूँ एंड मैं पानी की बोतल लाना भूल गई, तो मैं पहले जाती हूँ पानी की बोतल ले आती हूँ, बिकॉज रास्ते में मतलब बस में करना है सर्वाइव, तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पानी की बोतल लेनी है मुझे, तो पानी की बोतल ले लेती हूँ यार, उसके बाद जाऊँगी मैं शर्मा बस में। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी पानी की बोतल दो एक। ओके तो गाइस पानी की बोतल ले आई मैं, अब जा रही हूँ मैं उधर, लगी है मेरी बस शर्मा बस, प्राइवेट बस में जा रही हूँ मैं, 8 बजे यहाँ से चली जाऊंगी, 8 बजे जाती है ये बस, तो अभी मैं बस में बैठती हूँ, अच्छी सी सीट लेती हूँ एंड बाकी तो क्या, बाकी मैं आज आपको रामपुर दिखाऊंगी। मैं कुछ काम से जा रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस काम से जा रही हूँ, वो मैं आपको कभी और नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, जब मुझे मौका मिला तब मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये लगी है शर्मा बस, ये जाएगी रामपुर को एंड देन मैं फिर बैठूंगी इसमें। अभी पता नहीं खुली होगी या नहीं, ये तो मेरे को भी नहीं पता है, चेक कर लेती हूँ यार। खुली है मतलब मुझे कौन सी, अभी तो कोई नहीं है बस में यार। गाइस तो अभी बस चल पड़ी, अभी हम निकलेंगे करसोग से एंड फिर मैं आपको बीच बीच में मिलूंगी, जहाँ पे बस रुकेगी ना वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अगर मैं बस से बाहर निकली तो। वैसे तो कोई मूड नहीं है मेरा बस से बाहर निकलने का, बस देखते हैं। यहाँ पे ना हम रुके थे, ड्राइवर और कंडक्टर खाना खा रहे थे एंड देन मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी और बस में बैठे बैठे वैसे भी क्या कर सकते थे। एंड गाइज अभी हम कोटलू में पहुंचे थे और यहाँ का व्यू मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा था, आप भी देखो एंड एंजॉय करो वीडियो को। और गाइज जो ये रिवर देख रहे हो आप, ये सतलुज नदी है एंड इसका बहाव बहुत ज़्यादा था यार, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रही थी देख के ही, अगर कोई इसमें गिर जाता ना तो मतलब सीधा ही वो बचता ही नहीं। आगे आप व्यू देख लो।
गाइस, गुड मॉर्निंग बैक. गुड मॉर्निंग नहीं, इवनिंग टाइम हुआ है, बट मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ बिकॉज सुबह से आपसे मिली नहीं, काफी सारा काम था. मतलब ऐसे ही आया है एवी, और अभी जा रही हूँ मैं चाटी पुल, है ना, चाटी पुल है. और यहाँ देखो, मैं इंजॉय कर रही हूँ बढ़िया से, और आपको भी दिखाती हूँ नीचे. हाँ, वैसे इनको पता है कि रामपुर बुशहर आई हूँ मैं. और ये देखो कौन सी रिवर है, ये सतलुज, ये सतलुज है, सतलुज देख लो भाई. एंड बाकी तो क्या, अभी हम जा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे एक दी के रूम ठहरूंगी एंड कल सुबह निकलेंगे यहाँ से. आज थोड़ा बहुत आपको रामपुर की सैर भी करा देते, वरना मैं आपको डेली डेली ना घर की दिखा देती, कि जो घर में काम करती हूँ ना वही बताती हूँ. बट अब दिखा रही हूँ ना मैं आपको ये वाला, तो मेरे इस ब्लॉग के लिए एक्साइटेड बने रहो, आगे मैं आपको दिखाऊंगी. बस स्टैंड कहाँ पे है, उधर से गाड़ी, इस चाटी पुल से ना गाड़ियां भी आती हैं. ये देखो देखो चली गई. अच्छा, कुरसोक का बंदा था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं पहली बार आई हूँ रामपुर, तो मेरे को ग्रेट वाली फीलिंग आ रही है. सरकार हाँ, पर गाइज यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है ना, लिटरली आप तो जुकुन वाली लड़की है, भूल के भी मत आना इस एरिया में, शादी मत करना ठीक है. बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ, बहुत ज्यादा लिटरली यार. अभी तो मैं इस ब्रिज को क्रॉस कर रही हूँ, मजे आ रहे हैं यार. और ये पानी की बोतल, दूसरी वाली बोतल मैंने रख दी बस में ही, बिकॉज इतना गर्म पानी हो गया था ना, बहुत ज्यादा नहाने के लिए हो गया था, तो मैंने वो बस में छोड़ दी. गाइज मौसम देखो कितना खराब है, ऊपर लग गई है आग भी, देखो ऊपर देखो. ये कैसे लगी, अच्छा 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 यार, इतनी ज्यादा आग हो मम्मी, हमारे नहीं लगती ज्यादा आंटी, हमारे नहीं लगती ज्यादा. हवा चली है बहुत सही इस टाइम, अभी बज रहे हैं ओनली 6 और लग रहा है ऐसा कि मतलब रात हो रही है आज, है ना. हाँ,